अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुश्ताक अहमद 53। आप देख रहे हैं मुश्ताक अहमद 53 चैनल। ठीक है, आज फिर आए हैं हम काशिफ की तरफ। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गंदम आपकी है? हाँ जी। तो ये कितनी इधर गंदम आपने? 3 एकड़ गंदम। 3 एकड़? तो ये कौन सा बीज आपने बीजा इधर? अकबर। अकबर बीज? अच्छा बीज है। अच्छा बीज है। तो कितनी ये देर में पक जाता है, तैयार हो जाता है बीज? ये भी तकरीबन 6 माह तकरीबन ले लेता है। 6 माह ले लेता है तकरीबन। इसमें कितने की ये थैली आती है बी की? ये 50 किलो बी है, 5000 का मिलता है। 1 एकड़ में 50 किलो? हाँ, 50 किलो है, 6000 का, 5000 का मिलता है। 50000 का। तो ये फिर कितनी माशाल्लाह इसकी एवरेज आ जाती है? ये तकरीबन 45-50-55 इतनी हो जाती है। 45-55 तक। हाँ, तो कितने पानी? ये पानी इसको 3-4 लगते हैं। 3-4। खाद कितनी? खाद 1 बोरी DAP और 2 यूरिया। 2 यूरिया, 1 DAP। हाँ जी। तो इसके अलावा और कौन सी चीज आप इस गंदम का? तो गंदम में सल्फर भी इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, तो सल्फर कितना है? 1-2 किलो? 2 किलो या 3 किलो डालते हैं। 2 या 3 किलो। तो इस ये तकरीबन कद कितना कर लेती है? ये तकरीबन कद 4-5 फुट तक कर लेती है। 3-4 फुट तक। सही सही। तो ये सल्फर आपने बताया इसको डालते हैं, सल्फर का क्या काम है इसमें? सल्फर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये ज़मीन को ताकत देता है और ज़मीन को भुरभुरा करता है, नरम करता है। तो इससे ज़्यादा शाखें बनती है तो बूटा ज़्यादा मारता है और दाने को भी असर देता है, दाना मोटा करती है। सही सही। तो ये सल्फर कौन से पानी में डालना चाहिए? सल्फर को दूसरे पानी में इस्तेमाल करते हैं। दूसरे पानी में खाद में मिक्स करके या पानी में? यूरिया खाद में मिक्स करते हैं। यूरिया खाद में मिक्स करते हैं। सही सही। ये तकरीबन 5वें या 4वें माह से आप इसको हाथ लगाएंगे? मौसम के हिसाब से, कभी 5वें के शुरू में हाथ लग जाता है तो कभी 5वें से पहले हाथ लग जाए, मौसम के हिसाब से जैसे ये मतलब तैयार हो। तो पानी कौन सा, ट्यूबवेल का या आप नहर का लगाते हैं इसको? अगर हमारी ज़मीनों में तो 6 माह सी है नहर, तो इसको तो ट्यूबवेल का पानी लगता है ज़्यादा। ट्यूबवेल तो जिन इलाकों में 12 माह सी नहरें हैं तो वो नहर का पानी लगाते हैं। और इसकी क्या खासियत है आप बताना चाहेंगे जो हमें? हाँ जी, क्या खासियत है इसकी? खासियत है बीज की, क्या खासियत है अकबर की? इसके अलावा और कोई नहीं बीज आप? अकबर के अलावा और भी है, फैसलाबाद 2008 भी है, गैलेक्सी भी है। तो अकबर जो अच्छा बीज है ये औसत ज़्यादा देते हैं। अकबर औसत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि कई भाइयों ने हमें बताया अकबर बीज जो है ना ये बहुत अच्छा बीज है। ठीक है, तो ये भी लगाते हैं बहुत ज़्यादा इधर हमारे बिहाड़ी में अकबर बीज, क्योंकि इसका कद भी अच्छा होता है और ये अंधेरी के साथ गिरता भी नहीं। ठीक है, ये ज़ाया भी दाना नहीं होता इससे, जितना भी फेंका जाए उतना ही ये बूटा मारता है और उतना ही मतलब कि बूटा अच्छा होता है। ठीक है सर, काशिफ भाई ने बताया हमें कि इसको ये सल्फर भी डालते हैं और 2 यूरिया और 1 DAP डालते हैं। ठीक है, तो और 3 पानी इसको लगाते हैं। देख रहे हैं आप ये गंदम, ठीक है, बहुत अच्छी खड़ी है, साफ़ सफाई के साथ, कोई मतलब कि इसमें गंद वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि बी भी अच्छा और माशाल्लाह ये भाई मेहनत भी बहुत अच्छी करते हैं। इसके अलावा आपको नई वीडियो हम देंगे, वो भी इस तरह ही आपको दिखाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के साथ हम इजाज़त लेंगे आप भाइयों के साथ।